अनियंत्रित तेज गति से चले आ रहे ट्रक ने सामने से आ रही कार में टक्कर मार दी। इससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक भी सड़क पर पलट गया। इस घटना में 3 सगे भाई बहन सहित 4 युवाओं की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। ट्रक चालक फरार हो गया। जोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 552 पर सुबह 6 बजे ही विभत्स हादसा हो गया। संबलगढ़ की ओर से मुरैना की तरफ भूसा भरकर तेज गति से ट्रक जा रहा था। यह ट्रक रजौदा हाउस के सामने जैसे ही पहुंचा, सामने से आ रही कार में टक्कर मार दी। दोनों वाहनों की भिड़ंत की तेज आवाज सुनकर हाईवे किनारे रह रहे लोग जागकर सड़क पर आ गए। वहीं रास्ते से गुजर रहे लोग भी रुक गए। कार में फंसे 4 युवाओं को निकालने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। राहगीरों द्वारा पुलिस प्रशासन को दी गई सूचना के बाद आई एम्बुलेंस से चारों को जोरा चिकित्सालय ले जाया गया। चिकित्सकों द्वारा 2 युवकों को जहां मृत घोषित कर दिया, वहीं 1 युवक व 1 युवती को गंभीर घायल अवस्था में मुरैना भेजा गया। दौरान उपचार युवती की मुरैना में मृत्यु हो गई। युवक को ग्वालियर ले जाया गया जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। चारों मृतक जोरा नगर के ही रहने वाले हैं। यह चारों ऋषभ शर्मा, उनका भाई धीरज शर्मा, बहन नेहा शर्मा तथा दोस्त प्रियांशु यादव सुबह कार से मुरैना से जोर आ रहे थे। इनके घर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर रह गई थी। यह घर पहुंच पाते उससे पहले ही यह घटना हो गई। दुर्घटना के दौरान ऋषभ व धीरज की मृत्यु मौके पर ही हो गई। बहन नेहा की मृत्यु मुरैना चिकित्सालय के दौरान उपचार में हुई। प्रियांशु यादव को गंभीर घायल अवस्था में ग्वालियर ले जाया जा रहा था, लेकिन उसके जीवन की सांस रास्ते में ही टूट गई। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। मृतक ऋषभ व धीरज का पोस्टमार्टम जोरा तथा नेहा व प्रियांशु का पोस्टमार्टम मुरैना में किया जा रहा है। इस दुर्घटना में एक ही परिवार के ऋषभ, धीरज, नेहा की जहां मौत हुई है, वहीं दुखद पहलू यह है कि विगत 28 जनवरी को ही ऋषभ की शादी हुई थी। घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को मिली, उनके घरों में कोहराम मच गया है। जोरा के लोग परिजनों को सांत्वना देने के लिए सुबह से ही उनके घर पहुंच रहे हैं। सर, आज क्या घटना घटित हुई है? सर, आज सुबह करीब 5:30 बजे MS रोड पर रजत हाउस के पास में एक बरना कार और एक भूसे के ट्रक में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बरना कार को ऋषभ शर्मा चला रहा था, उसका साथ में उसके भाई धीरज शर्मा और उसकी बहन नेहा शर्मा और उसका एक दोस्त प्रांशु यादव थे। और उस समय घटनास्थल पर दोनों भाई धीरज और ऋषभ अधिक घायल थे, उनको हॉस्पिटल भेजा था, तो उनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। और उसकी बहन नेहा शर्मा और दोस्त प्रांशु यादव को जिला अस्पताल मुरैना में रेफर किया था। अभी भी जानकारी मिली है कि उन दोनों की भी मृत्यु हो गई है।